इस वर्ष शुक्राचार्य धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि देव गुरु बृहस्पति द्वारा शासित है। राशि चक्र की नौवीं राशि को धनु राशि के नाम से जाना जाता है तथा यह अग्नि तत्व की राशि है। धनु राशि धन, प्रेरणा, बुद्धि और सौभाग्य प्रतीक है तथा शुक्र निस्वार्थ प्रेम और अत्यधिक धन का ग्रह है। साथियों, एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। हम इसी तरह की ग्रहों की विभिन्न राशियों में गोचर और उससे होने वाले प्रभाव से जुड़ी जानकारियां आपके लिए लाते रहेंगे। साथियों, शुक्र का धनु राशि में गोचर 5 दिसंबर 2022 को शाम 5:39 पर होगा। यह गोचर दर्शा रहा है कि एक गुरु दूसरे गुरु के घर पर आ रहे हैं, अर्थात शुक्र बृहस्पति की राशि में आ रहे हैं। हालांकि ये दोनों एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं, लेकिन फिर भी गुरु और विद्वान होने के कारण यह अवधि शिक्षकों, धर्म गुरुओं, मोटिवेशनल स्पीकर्स और वे लोग जो अपने विवाह के निर्णय को अंतिम रूप देना चाहते हैं, उनके लिए अनुकूल सिद्ध होगी। शुक्र का धनु राशि में गोचर होने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, सभी 12 राशियों के जातकों के लिए यह संयोजन कैसा रहेगा, आइए इस पर राशिवार हम बात करते हैं। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र दूसरे तथा सातवें भाव का स्वामी है और इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके नौवें भाव यानी भाग्य के भाव में गोचर करेंगे। यह अवधि शिक्षकों, मेंटर्स, धर्मगुरुओं और मोटिवेशनल स्पीकर्स आदि के लिए अनुकूल रहने वाली है। साथ ही जो लोग अपने विवाह के निर्णय को अंतिम रूप देना चाहते हैं, उनके लिए भी यह सकारात्मक परिणाम दिखाएगी। शादीशुदा लोग अपने जीवन साथी के साथ सुखद पल बिताएंगे, जीवन साथी की ओर से उन्हें पूरा सहयोग प्राप्त होगा। जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें सकारात्मक फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपका झुकाव रहस्य विज्ञान की ओर हो सकता है, साथ ही आध्यात्मिक गतिविधियों और पूजा पाठ, पौराणिक ग्रंथों को पढ़ने की ओर भी आप अग्रसर हो सकते हैं। साथियों, बात करते हैं आपको इस समय क्या उपाय करना चाहिए। शुक्रवार के दिन आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें और कमल का फूल चढ़ाएं, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र लग्न तथा छठे भाव का स्वामी है और इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके आठवें भाव यानी कि आस्मिक घटना, रहस्य, दीर्घायु और छिपे हुए तथ्यों के भाव में गोचर करेगा। आपको इस दौरान मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम आपको प्राप्त होने की संभावना है। शुक्र के इस गोचर काल में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सावधान रहने की जरूरत होगी। वहीं दूसरे भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी तथा धन का प्रवाह भी अच्छा रहेगा, साथ ही धन की बचत भी संभव होगी। बात करते हैं साथियों उपाय की। प्रतिदिन आपको महिषासुर मर्दिनी का पाठ करना चाहिए, लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र पांचवें तथा बारहवें भाव का स्वामी है और इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके सातवें भाव यानी विवाह, जीवन साथी, साझेदारी के भाव में गोचर करेंगे। पांचवें भाव के स्वामी का सातवें भाव में गोचर करना प्रेम संबंधों को विवाह योग्य बनाता है, इसलिए जो लोग विवाह के योग्य हैं, उनका विवाह इस समय हो सकता है। वहीं सातवें भाव के स्वामी का बारहवें भाव में गोचर करना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि इस दौरान आप लंबी दूरी की किसी यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन बारहवां भाव हानि का भाव होता है, इसलिए इस दौरान आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य का खास आपको ध्यान रखना होगा। इस गोचर काल में मिथुन राशि के कुछ जातकों को देशी डीलिंग करने का मौका मिल सकता है, जो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। साथियों, बात करते हैं उपाय की। आप अपने बेडरूम में स्फटिक पत्थर रखें, यह आपको शुभ परिणाम देगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र चौथे तथा ग्यारहवें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके छठे भाव यानी शत्रु, प्रतिस्पर्धा और माता के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि घर में क्लेश होने के कारण उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। प्रेम जीवन की बात करें तो आशंका है कि इस दौरान एक्स्ट्रा अफेयर या गुप्त संबंध रखने के कारण आपका ब्रेकअप हो सकता है, इससे समाज में आपकी छवि भी खराब हो सकती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि शुक्र का धनु राशि में गोचर के दौरान इस तरह के आरोप से आप बचने की कोशिश करें। आपको एक सुझाव और दिया जाता है, शुक्र के इस गोचर काल में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें, क्योंकि ग्यारहवें भाव के स्वामी का छठे भाव में गोचर करना आपके दोस्तों को शत्रु में बदलता है। साथियों, बात करते हैं उपाय की। नेत्रहीन संस्थानों में सेवाएं आपको देना चाहिए, दान पुण्य करें, प्रभु की कृपा होगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र तीसरे तथा दसवें भाव का स्वामी है और इस गोचर काल के दौरान आपके पांचवें भाव में यानी प्रेम, शिक्षा और संतान के भाव में गोचर करेगा। जो छात्र डिजाइनिंग, कला, रचनात्मक, कविता आदि क्षेत्रों में है, इस दौरान रचनात्मक विचारों से भरे हुए रहेंगे, जिससे उनका प्रदर्शन बेहतर होगा और उन्हें सफलता भी मिलेगी। जो लोग प्रेम संबंध में है, वे अपने प्रिय के साथ सुखद पलों का आनंद उठाएंगे। कुल मिलाकर यह अवधि आपके लिए अनुकूल सिद्ध होगी। बात करते हैं उपाय की। शुक्रवार के दिन क्रीम या गुलाबी रंग के कपड़े आप पहने, कृपा होगी। बात करते हैं कन्या राशि की।
कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र मित्र ग्रह है और दूसरे तथा नौवे भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके चौथे भाव यानी कि माता, गृहस्थ, जीवन, वाहन, संपत्ति के भाव में गोचर करेगा। शुक्र के धनु राशि में गोचर के दौरान आपका घरेलू जीवन या यूं कहें कि गृहस्थ जीवन सुखद रहेगा। माताजी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और आपको उनका पूरा सहयोग प्राप्त हो। बात करते हैं उपाय की। शुक्रवार के दिन अपने घर में सफेद फूल उगाएं और उनकी देखभाल करें। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र लग्न तथा आठवें भाव का स्वामी है और इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके तीसरे भाव यानी कि भाई बहन, शोक, लघु यात्रा और संचार कौशल के भाव में गोचर करेंगे। यह अवधि विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी सिद्ध होगी जो लेखन, ललित कला और साहित्य से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस दौरान आपके लेखन कौशल, संचार कौशल और रचनात्मक कार्यों में वृद्धि होगी जिससे आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। शुक्र आपके आठवें भाव के स्वामी हैं, इसलिए इस दौरान आपको अपने छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। बात करते हैं उपाय की। अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली में सोने से बनी अच्छी गुणवत्ता वाली ओपल या हीरा आप धारण कर सकते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र सातवें तथा बारहवें भाव का स्वामी है और इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके दूसरे भाव यानी कि धन, परिवार, बचत और वाणी के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपके संवाद कौशल में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा जिससे आपकी वाणी बहुत मधुर होगी। बारहवें भाव के स्वामी का दूसरे भाव में गोचर करना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि इस दौरान आपको विदेश से अधिक लाभ प्राप्त होगा। यह समय धन की बचत करने और नए निवेश करने के मामले में अनुकूल है। आइए बात करते हैं उपाय की। आपको प्रतिदिन दिन में 108 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए, कृपा होगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र छठे तथा ग्यारहवें भाव का स्वामी है और इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके प्रथम लग्न भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आप खुद को संवारने और अपनी सेहत की ओर ध्यान देंगे, साथ ही अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे क्योंकि शुक्र आपके लग्न भाव में स्थित है। आप इस अवधि में बड़े ही सुख सुविधा के साथ और एक आरामदायक स्थिति में रहेंगे। आपके आसपास कुछ प्रभावशील लोग होंगे। आर्थिक रूप से यह अवधि लाभकारी सिद्ध होगी। आय बढ़ाने के लिए कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। सातवें भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ने से आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। कुल मिलाकर शुक्र के इस गोचर काल में आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। बात करते हैं उपाय की। प्रतिदिन परफ्यूम और सुगंध का प्रयोग करें, विशेष रूप से चंदन की सुगंध से शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र योग कारक ग्रह है, साथ ही यह आपके पांचवें तथा दसवें भाव का स्वामी है और इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके बारहवें भाव यानी कि विदेश, व्यय, हानि के भाव में गोचर करेगा। जो जातक आयात निर्यात का व्यवसाय चला रहे हैं या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान अपने करियर में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। जो जातक प्रेम संबंध में है, उन्हें इस दौरान थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। कुंडली का बारवा भाव हानि का भाव भी होता है, इसलिए आपको सुझाव दिया जाता है कि आप अपना धन फिजूल खर्च न करें। बात करते हैं उपाय की। शुक्रवार के दिन चांदी का एक टुकड़ा अपने बटुए में जरूर रखें, कृपा होगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र एक योग कारक ग्रह है और यह आपके चौथे तथा नौवे भाव का स्वामी भी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके ग्यारहवें भाव यानी कि आर्थिक लाभ और आय के भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और आप एक लग्जरी लाइफ जीने का आनंद उठाते नजर आएंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो प्रिय के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। जो छात्र डिजाइनिंग या किसी रचनात्मक क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए शुक्र का धनु राशि में गोचर फलदायी सिद्ध होगा। बात करते हैं उपाय की। शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी की पूजा करें तथा व्रत करें और उन्हें लाल रंग के पुष्प अर्पित करें, कृपा होगी। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र तीसरे तथा आठवें भाव का स्वामी है और इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके दसवें भाव यानी कि पेशे और कर्म भाव में गोचर करेगा। शुक्र के धनु राशि में गोचर की यह अवधि पेशेवार रूप से अनुकूल सिद्ध होगी। आप अपने कार्यों में अधिक रचनात्मक होंगे तथा बड़े ही अच्छे ढंग से अपने कार्यों को प्रस्तुत करेंगे, लेकिन इस दौरान आपके पेशेवर जीवन में अचानक से कुछ बदलाव हो सकते हैं क्योंकि शुक्र आपके आठवें भाव का स्वामी है। यदि आप किसी रिसर्च फील्ड में हैं, तो आपके लिए शुक्र का धनु राशि में गोचर लाभकारी सिद्ध होगा। दसवें भाव में शुक्र की दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है, जिसे फलस्वरूप अपने घर के लिए कोई वाहन या लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं। बात करते हैं उपाय की। अपने कार्यस्थल पर सभी महिलाओं का सम्मान करें और कार्यस्थल पर श्री अंत रखें। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, कर लीजिए। हम इसी तरह से ग्रहों के गोचर से होने वाले प्रभाव की जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो।